और सुमी में रूसी सेना ने एक विध्वंसक हमला किया है। लैंसेट ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर अटैक, हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट खत्म हो गई। और डोनेस्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। 23 आर्मर्ड व्हीकल के रूसी काफिले पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक भी तबाह हो गए। कुराखो में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का हमला। तो कुर्स्क पर रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने 82 गांव पर कब्जा कर लिया है, 1150 वर्ग किलोमीटर पर उसका कब्जा हो चुका है। वहीं रूस का दावा है कि कुर्स्क में नेटो ने यूक्रेन की मदद की है। 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया है कि कुर्स्क के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी। वहीं अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में ऑपरेशन की जानकारी उसको नहीं दी। जर्मनी का कहना है कि अगर यूक्रेन कुर्स्क में उसके हथियारों से हमला करेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। वही कनाडा ने यूक्रेन को अपने लेपर्ड टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इसी बीच कुर्स्क को लेकर रूस का बहुत बड़ा दावा, कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ पर विराम लगा। यूक्रेन लगातार घुसपैठ की कोशिश में है। रूसी सेना के पलटवार से डरी यूक्रेनी सेना, रूसी कमांडर अप्टी अलाउदिनोव का दावा। तो कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद था, लेकिन अचानक से जेलेंस्की के सैनिक कुर्स्क में घुसकर तबाही मचाने लगे। अब कुर्स्क के काफी बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। इसमें हैरानी की बात यह कि कुर्स्क को यूक्रेन से छुड़ाने के लिए रूस फ्रंट फुट पर कोशिश करता नहीं दिख रहा है। दरअसल उसके पीछे पुतिन का एक प्लान है जिसमें वो यूक्रेन की रणनीति को कामयाब नहीं होने देना चाहते। कुर्स्क तो कभी भी वापस ले लिया जाएगा, लेकिन पुतिन लुहांस्क और डोनेस्क को किसी भी कीमत पर कब्जे में बनाए रखना चाहते हैं। कुर्स्क क्यों युद्ध का एपिसेंटर बन गया है, इस रिपोर्ट में जानिए। कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी ध्वज लग चुका है। रूस के इलाके में यूक्रेन की यह अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है। लगातार यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन रूस ने अभी भी फोकस यूक्रेन के इलाकों पर किया हुआ है। कुर्स्क में रूस ने अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजे हैं। कुर्स्क को लेकर रूस अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं है, जबकि यूक्रेन कुर्स्क से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। अगर कुर्स्क से आगे यूक्रेनी सैनिक बढ़े तो ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तब रूस को फैसला करना होगा कि वो सुरक्षा करे या यूक्रेन पर आक्रमण।
दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के लिए कुर्स्क अभी तक की सबसे बड़ी जीत साबित होता जा रहा है, क्योंकि पहली बार रूसी सरहद पार करके यूक्रेनी सैनिकों ने डेरा जमा लिया है। ऐसे में रूस क्यों कुर्स खाली नहीं करा पा रहा है, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे एक बड़ा कारण बता रहे हैं। रूस नहीं चाहता कि वो अपने जीते हुए इलाके हार जाए, इसलिए कुर्स को दांव पर लगाया गया है। लुहांस्क और डोनेस्क में रूस की सेना डटी हुई है, यूक्रेन वहां अपनी फौज तैनात करना चाहता है। कुर्स्क और लुहांस्क की दूरी करीब 560 किलोमीटर है, वहां तक रूसी सेना को डिप्लॉय होने में करीब 10 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी रूस कभी भी लुहांस्क से सैनिक भेज सकता है, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले रहा है, क्योंकि रूस के लिए लुहांस्क और डोनेस्क इस वक्त ज्यादा अहम है। पुतिन जानते हैं लुहांस्क और डोनेस्क को हार जाने का मतलब है कि यूक्रेन को बढ़त मिलना, जबकि कुर्स्क से तो कभी भी यूक्रेनी फौज को खदेड़ा जा सकता है। जबकि यूक्रेन अलग प्लानिंग से चल रहा है, कुर्स्क पर कब्जा करके वो लुहांस्क और डोनेस्क की रसद काटना चाहता है, जिससे मजबूरी में रूस को लुहांस्क और डोनेस्क से सेना हटानी पड़े। ऐसे वक्त में यूक्रेन वहां कब्जा कर ले। कुर्स्क के बदले लुहांस्क और डोनेस्क की डील करने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है, लेकिन पुतिन इस चाल को समझ चुके हैं। ना तो उन्होंने लुहांस्क खाली करने का आदेश दिया है, बल्कि यूक्रेन पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि बीती रात यूक्रेन के लिए सबसे खराब रात थी। रूस ने यूक्रेन में धुआं धुआं कर दिया। और रूस अब कुर्स का बदला यूक्रेन को दहला कर ले रहा है। इसके लिए कुछ घंटे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें कीव की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया, जबकि क्रिव गोरोद और पोलतावा में भी भारी तबाही मचाई। इन इलाकों में रूस ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा कई शहरों में भी सुखोई 35 से बमबारी की गई, जिसमें सूमी को निशाना बनाया गया, जबकि खारकीव, चेरकासी और चेरनिगोव से आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया। इस दौरान रूसी जेट बम बरसाते रहे, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करते रहे। रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जबकि यूक्रेन को लग रहा था कि रूस कुर्स्क में सैनिक भेजेगा, लेकिन रूस ने अलग रणनीति अपनाई है। रूस अब लुहांस्क और डोनेस्क को अभेद्य किला बना रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये लुहांस्क में मिलिट्री व्हीकल से हथियार पहुंचाने का वीडियो है, जिस पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। डोनेस्क की बॉर्डर लाइन के पास ये हमला किया गया। देखिए कैसे मिलिट्री व्हीकल ड्रोन स्ट्राइक में खाक कर दिया गया। हमले के बाद कई फीट ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। इसी तरह के हमले और ज्यादा किए जा सके और रूस को बैकफुट पर लाया जा सके, इसके लिए ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने ज्यादा से ज्यादा हथियारों के साथ रूस की जमीन पर हमले की मंजूरी देने की मांग की है। दरअसल ये डिमांड इसलिए उठने लगी है क्योंकि यूक्रेन कुर्स्क में बेहद हमलावर है। अब वो आगे रूस के दूसरे शहरों को दहलाए, इसके लिए हथियार चाहिए। जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा डोनेस्क में रूसी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इस एयरबेस पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात की गई थी। इसके जवाब में रूस ने विध्वंसक पलटवार किया है। हमले में यूक्रेनी MiG-29 को मार गिराया। जबकि नीपर नदी के पास तैनात पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर दिया, साथ ही एक सैन्य ठिकाना भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के 14 शाहिद ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए।
यूक्रेन ने एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि आज की रात भी यूक्रेन दहल सकता है। जबकि ज़ेलेंस्की कुर्स्क में रसद रोककर लुहांस्क और डोनेस्क जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। उधर क्रेमलिन ने क्रीमिया से लेकर कीव तक लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।